धीरे। तो बच्चों, हम लोग आज नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने दो चैप्टर कवर करा दिया है, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। दो चैप्टर हमने आपका कवर कराया। दोनों चैप्टर का वीडियो और आपको नोट्स पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। वीडियो देख करके नोट्स सिस्टमेटिक वे में बना लेना चाहिए। मान लिया कोई चैप्टर आपका छूट गया है, आप सेकंड चैप्टर से अगर ज्वाइन किए हो, तो आपको देख करके, वीडियो देख करके नोट्स अपना सिस्टमेटिक वे में लिख लेना चाहिए। कोई डाउट हो तो अलग से आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। और मान लिया किसी का कोई वीडियो किसी के पास नहीं है, या हैंड रिटेन नोट्स किसी के पास नहीं है, तो वो हमारे पास मैसेज कर देगा। मैं उसको पूरा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन का हैंड रिटेन नोट्स और वीडियो शेयर कर दूंगा। वो अपना सिस्टमेटिक नोट्स बना लेगा वीडियो देख करके। तो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये नया चैप्टर होगा, और अगर देखा जाए इस चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में लगभग मान करके चलिए 4 to 5 मार्क्स का है। सीबीएसई बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। अगर हम बात करें नीट जेई का, तो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो प्रोबेबिलिटी है, दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। जेई में तो एक क्वेश्चन फिक्स ही है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको भी हम लोग तीन पार्ट में, स्पेशली माइक सब लोग बंद किए रहिए, माइक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइक आप होना चाहिए। इसको तीन पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, वन बाय वन सारे पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इंटर करे क्लास में, शांति पूर्वक इंटर करे, माइक बंद कर दिया करे। माइक किसी का ऑन रहेगा तो उसको तुरंत क्लास से हटा दिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो नोट्स और पेन निकालिए और एक एक पॉइंट आप आगे लिखते रहिए। तो हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज के क्लास का फर्स्ट हेडिंग बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के क्लास का फर्स्ट हेडिंग बच्चा लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो 4 to 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, 4 to 5 मार्क्स है। अगर आप जेई में बैठते हो, तो आपके जेई में वन क्वेश्चन यहाँ से आता है। वन क्वेश्चन फिक्स है, जेई में हमेशा हर साल आता रहता है। उसके बाद अगर नीट में तुम बैठ रहे हो, तो एक से दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी होता है नीट में आने का। इसका मतलब ये हुआ, अगर देखा जाए तो आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जेई में भी इसका वेटेज है, नीट में भी इसका वेटेज है। वसीम अकरम, माइक ऑफ कर दो। वसीम वसीम माइक बंद करो। माइक सब लोग बंद कर दिया करिए देख करके। और नीट की अगर बात किया जाए तो 1 to 2 मार्क्स यहाँ से आते हैं। तो इसका मतलब वेटेज अच्छा खासा वेटेज इस चैप्टर का है। और दूसरी बात, अगर ये देखा जाए तो यहाँ से कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, और ज्यादा चांस है, 90% चांस है न्यूमेरिकल आता है, लेकिन 10% यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता रहता है। तो आपको पूरे चैप्टर को बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ना है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नहीं क्लियर होगा, तो न्यूमेरिकल से आपको बहुत डर लगने वाला है। पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है। 90+ परसेंट अगर देखा जाए, 90+, तो हमेशा यहाँ से न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल अच्छा खासा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग स्पेशली अगर देखा जाए, तो हम यहाँ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। दो डिवाइस यूज किया जाता है बच्चों। अगर ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब दो टाइप का सेल पाया जाता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ये केमिकल एनर्जी को बदलता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है।
और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो पहली बात तो यही आपके यहाँ पूछा गया है, यूपी सीट वगैरह जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं इजी वे में जो पूछे जाते हैं, यही पूछ लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं क्या होगा, चार ऑप्शन दे देगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में बदल रहा तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक के थ्रो। तो यहां तक आप नोट करिए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। अब अगर इस चैप्टर को हम लोग डिफाइन करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया जाए, तो केमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हमें ऐसे रिएक्शन का स्टडी करना है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखना है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में देखना है। मतलब इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में देखना है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो यहां तक आप पहले नोट करिए, उसके बाद हेडिंग लिखिए, डिफिनेशन इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन लिखिएगा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बोले बच्चों डिफिनेशन, बोले बोलो। यस सर। लिखो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हेडिंग लिखिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स with the study of, which deals with the study of, which deals with the study of, study of, क्या क्या study ये कराता है, reaction in which chemical energy is converted into electrical energy, ऐसा reaction जिसमें chemical energy बदल रहा किसमें, electrical energy में, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो गैल्वेनिक सेल होता है, वोल्टेइक सेल होता है, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल होते हैं। और रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में अगर बदला जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जिस डिवाइस को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, इस डिवाइस का नाम होता है, इस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब कोई इसका एग्जाम्पल नहीं, स्वयं इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही एग्जाम्पल और अपने आप में इंडिविजुअल है। तो हम लोग इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आखिर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। तो इस चैप्टर में पूरा डिटेल, ये एक पार्ट हो जाएगा, पूरा चैप्टर का एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। जैसे हम लोग सोल्यूशन चैप्टर को पढ़े थे तीन पार्ट में, एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा गया था, कंसंट्रेशन टर्म लगभग 8 से 10 क्लास लगा था। फिर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े जिसमें 5-7 क्लास लगा। फिर हम लोग वांटा फैक्टर पढ़े, तो वहां भी तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। यहाँ इस चैप्टर को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा, और थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। तो तीन पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अभी आगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वगैरह इसी में पढ़ना है, तो भी आगे बताएंगे। तो इसको पहले आप नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट करिए बच्चों। नोट हो गया, नोट हो गया। एक लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा मतलब ऐसा स्क्रीनशॉट लो जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं सारा, सभी लोगों का नाम आना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास भेज देना या ग्रुप में सेंड कर देना, जिससे पता रहे ना कौन क्लास में है कौन नहीं है।
थोड़ा तेजी से लिखिए बच्चों। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, हम लोग 9th-10th लेवल की बात कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो 9th-10th लेवल की बात होगा, आज के क्लास में बहुत मतलब आगे की बातें ही नहीं हो पाएंगी, इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। अगर देखा जाए तो हम लोग 9th-10th में ही पढ़े हैं कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप में से, अपने स्वयं में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दे, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में से फ्लो करा दे, कंडक्ट करा दे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। जैसे मान लिया ये डिजिटल पेन है और यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो इसे हम कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो उसमें से, तो उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। और एक हमने सॉलिड स्टेट में बताया था होता है सेमीकंडक्टर, मतलब इसका जो कंडक्टिविटी होता है, ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है, तो उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर मेनली अगर देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो हम लोग कंडक्टर की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लिखिए सबसे पहले कंडक्टर क्या होता, फिर इंसुलेटर। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है और बेसिक चीजें हैं ये, आपको तो पता है, फिर भी नोट्स में आपके होना चाहिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होने के लिए। तो यहाँ तक बच्चों हो गया, आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा कंडक्टर, नेक्स्ट हेडिंग कंडक्टर, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बच्चों कंडक्टर। तो ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट पास करे अपने में से मतलब पास फ्लो करा दे, तो उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे सभी मेटल, सारे मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करता है। देखो कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर तभी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस, एनीवन, कोई भी सब्सटेंस तुम ले लो, तभी कंडक्टर होगा जब उसका या तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करे, और या तो फिर उसमें प्रेजेंट आयन एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करे। मतलब कंडक्टर होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जरूरी है और या तो उसके आयनों का फ्लो जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता है, अगर आयन से एक जगह पर रुका हुआ आयन का फ्लो नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। मतलब कंडक्टर के लिए या तो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मेटल होगा तब तो वहां आयन एक जगह से दूसरे जगह पर फ्री मूव करते हैं तो कंडक्टर हो जाता है। अगर मान लिया साल्ट है या एसिड है या बेस का कोई सॉल्यूशन है, मान लिया एसिड बेस साल्ट को किसी कंटेनर में मिला करके उसमें सॉल्यूशन बना दिया, तो उसके एसिड बेस साल्ट में आयन होते, आयन के फ्री मूवमेंट के वजह से वो कंडक्टर हो जाता है। और इंसुलेटर क्यों होता है, इंसुलेटर ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर सकते हैं और ना ही आयन फ्री मूव कर पाते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता, इस वजह से वो इंसुलेटर हो जाता है। तो आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा कंडक्टर, डिफिनेशन लिखिएगा बच्चों कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और सेकंड डिफिनेशन आप लिखिएगा इंसुलेटर। अगर कंडक्टर की बात करें बच्चों, तो कंडक्टर की बात आप कर सकते हो, सारे मेटल हैं, कुछ एलॉय होते हैं, जैसे एक्वो सॉल्यूशन आप NaCl हो गया या लिक्विड स्टेट इन NaCl हो गया, तो ये सभी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसे इंसुलेटर की बात अगर किया जाए तो इंसुलेटर क्या होता, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ना करा सके अपने में से, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे हमारा डिजिटल पेन है, प्लास्टिक का है तो इंसुलेटर है, पेन हो गया, और अगर देखा जाए बुक हो गया, लैपटॉप हो गया, तो ये सभी क्या है, इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगा। तो बेसिक चीजें हैं, 9th-10th में भी हम लोग पढ़े हैं, इसको आप तेजी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में आते हैं। अब अगर देखा जाए तो कंडक्टर दो तरीके का होता है, कंडक्टर दो तरीके का होता है, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दो तरीके का कंडक्टर होता है, एक मेटालिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। अब मेटालिक कंडक्टर नाम से लग रहा है, मतलब मेटल
जो होता है वो मेटैलिक कंडक्टर हो जाएगा, और कुछ एलॉय भी मेटैलिक कंडक्टर के जैसा बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्री मूवमेंट की वजह से कंडक्टर हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं, जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड ले लो, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस ले लो, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ले लो, या इन सबको लिक्विड स्टेट में ले लो, तो इसके आयंस के मूवमेंट के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो आयनों में ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या कर होता है आयनों में ब्रेक हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इसलिए इसका नाम पड़ गया। तो कंडक्टर भी दो तरीके का बच्चों होता है, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो हेडिंग लिखिएगा कंडक्टर और इस तरीके से एरो मार करके लिखिए, ये दो तरीके का होता है, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है, एक मेटैलिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब मेटैलिक कंडक्टर की अगर बात किया जाए बच्चों, तो सारे मेटल, ऑल मेटल एंड सम एलॉय, कुछ एलॉय और सारे मेटल तो सारे कंडक्टर होते हैं, और कुछ एलॉय भी कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की अगर बात किया जाए, तो एक्वा सॉल्यूशन हो चाहे एसिड का हो, चाहे बेस का हो, चाहे साल्ट का हो, सभी क्या होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं, सभी क्या होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं। अगर देखा जाए तो स्पेशली हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इस चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ हम सॉल्यूशन लेंगे और जो आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो फिजिक्स में पढ़ते हो वहाँ मेटेलिक कंडक्टर वगैरह, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हो मेटल रॉड वगैरह वहां लेते हो फिजिक्स में, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लेंगे मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब साल्ट का सॉल्यूशन या एसिड का सॉल्यूशन या बेस का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग देखेंगे कैसे क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये सब हम लोग केमिस्ट्री में ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का जोन हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, यानी सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग कंडक्टिविटी यहाँ चेक करेंगे। तो अब सबसे पहले ही बात तो ये है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटैलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, 2 मार्क्स में कभी कभी बोर्ड में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, बोर्ड में तो आ ही जाता है, कभी कभी ऑप्शन बन करके आपके कंपटीशन में भी आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर मेटैलिक कंडक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट डिफरेंस लिखवाऊंगा जो आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टाइप का पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। तो एक साइड में आप लोग लिखिएगा मेटैलिक कंडक्टर और दूसरे साइड में आप लिखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, हेडिंग लिखो बच्चों, एक साइड में आपको लिखना है मेटैलिक कंडक्टर और दूसरे साइड में लिखना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। एक लोग स्क्रीनशॉट फिर से ले लो, क्योंकि कुछ लोग बढ़े हैं जिसे पता रहे कौन लेट करके ज्वाइन किया है, एक लोग स्क्रीनशॉट तुरंत लो, सारे लोग एक साथ आना चाहिए हमारे पास, सेंड कर देना स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे पास सेंड कर देना, जिसे पता रहे ना कौन क्लास अटेंड कर रहा है, कौन अब्सेंट है। अब समझो बच्चों, मेटैलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या है ये समझिए। अगर मेटैलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस की मैं बात करूं, तो पहला डिफरेंस तो यही है, जो मेटैलिक कंडक्टर होता है बच्चा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्री मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है यहाँ बच्चों, यहाँ आयंस के फ्री मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, मतलब जो यहाँ कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होता है, यहाँ आयंस एक जगह से दूसरे जगह पर जब मूव करते हैं तब उसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट के वजह से अगर कंडक्टिविटी आ रहा, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा, तो उसे हम मेटैलिक कंडक्टर बोलेंगे। पहली तो बात तो हम यही लिख सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो, ये लिखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फर्स्ट पॉइंट ए नोट करिए सभी लोग, लिख लो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू, लिखिए जल्दी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन कर देना बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन,
यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से मूवमेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो अगर देखा जाए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, किसके वजह से, फ्री आयन्स के वजह से। यहाँ आयन जो है फ्री मूवमेंट करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा है और यहाँ आयन फ्री मूव करता है, तो दोनों में डिफरेंस ये है। दूसरी बात अगर देखा जाए, तुमसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा है ना, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg, इतना इलेक्ट्रॉन का मास होता, बहुत ही नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में तो बहुत कम है इसका मास। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आयन्स का फ्री मूवमेंट होता है, जैसे मान लिया NaCl का एक्वो सोल्यूशन है तो यहाँ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो Na प्लस इधर उधर और Cl नेगेटिव इधर उधर मूव करेगा, तो यहाँ अगर देखा जाए तो आयन्स का मोशन हो रहा है ना। और आयन्स में अगर देखा जाए तो यहाँ प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन इसमें 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत ज्यादा है और इसके वजह से इसका मास ज्यादा है, इसका भी मास ज्यादा है। और यहाँ अगर देखा जाए केवल इलेक्ट्रॉन का फ्री मोशन हो रहा और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। इसी वजह से बोला जाता है बच्चों कि जो मेटैलिक कंडक्टर होता है, मेटैलिक कंडक्टर में कोई मास का ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेटल है और मेटल में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे मूव कर जाएगा तो सारा मतलब मेटल एक तरफ डायरेक्शन, पूरा मास एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब मेटैलिक कंडक्टर में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है और इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही मेटैलिक कंडक्टर बना हुआ है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात किया जाए बच्चों तो यहाँ स्वयं आयन ही मूव कर रहा है और आप आयन के मास को तो नेग्लेक्ट कर नहीं सकते हो, तो आयन जब फ्लो कर रहा है, आयन मोशन में है और आयन का मास आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आयन एक अच्छा हैवी मास का होता है, कोई भी आयन हैवी मास का होगा, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सारे भरे होते हैं, तो इस वजह से बोला जाता है जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है इसमें मास का ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ आयन, आयन के फॉर्म में यहाँ मास का ट्रांसफर होता है और जबकि मेटैलिक कंडक्टर में मास का ट्रांसफर नहीं होता है। दूसरी बात ये देखा जाए दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ओम्स लॉ को दोनों फॉलो करते हैं, चाहे मेटैलिक कंडक्टर हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी इक्वल टू आई आर, मतलब V इक्वल टू आई आर, आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस है, मतलब चाहे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो चाहे मेटैलिक कंडक्टर हो, दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो आप पहले सेकंड पॉइंट लिखिएगा, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, सेकंड पॉइंट लिखिए नो ट्रांसफर ऑफ मैटर व्हेन करंट फ्लो, एक साइड में मैंने लिखा हुआ है मेटैलिक कंडक्टर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैंने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर लिखा हुआ है, दोनों पॉइंट तेजी से ऐड कर लो। पहला पॉइंट, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर व्हेन करंट फ्लो, जब करंट फ्लो करते हैं तो मेटैलिक कंडक्टर में और इधर इलेक्ट्रोलिटिक है, कोई मास का ट्रांसफर नहीं होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयन, यहाँ आयन्स के फॉर्म में मैटर ट्रांसफर होता है, व्हेन करंट फ्लो, जब करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ मैटर का ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ आयन, और दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो इतना पॉइंट तेजी से लिखो। उसके बाद चौथा पॉइंट अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में ऑप्शनल बन करके क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों, समझिएगा फोर्थ पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए। अगर फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो अगर मेटैलिक कंडक्टर, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, अगर मेटैलिक कंडक्टर है तो मेटैलिक कंडक्टर
में जैसे हम मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जितना टेम्परेचर हम मेटल का इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, और रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा तो कंडक्टेंस कम होता, मतलब रेजिस्टेंस मतलब रुकावट हो जाता है, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं फ्री मूव कर पाते हैं। जैसे मान लिया कोई मेटल रॉड है और इसको जब हीट करते हैं, इसको टेम्परेचर जब गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा था एक जगह से दूसरे जगह पर, जो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा था, जब हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इसका फ्री मोशन नहीं हो पाता, मतलब रुक रुक करके इलेक्ट्रॉन जाने लगता, मतलब थोड़ा सा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होने लगता, मतलब रुकावट इलेक्ट्रॉन में होता है, इस वजह से कंडक्टेंस कम हो जाता है। अब क्यों आखिर में रुकावट पैदा हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि यहाँ जो कैटायन, यहाँ अगर देखा जाए तो कोई भी मेटल होता है तो मेटल पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, ऐसे इसी फॉर्म में मेटल होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसके मेटल आयन मतलब कैटायन में वाइब्रेशन होता है, तो इधर उधर कैटायन इधर उधर ऐसे वाइब्रेट करते, वाइब्रेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अच्छे से मोशन में जगह नहीं मिल पाता है, तो इसी में ऐसे फंसा रहता है, तो इस वजह से तेजी से दौड़ नहीं पाता है। तो तुम्हें ये ध्यान देना है बच्चों कि अगर मेटैलिक कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस उसका कम हो जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में, गर्मी में क्या होता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब पड़ता है मई में या आप अप्रैल में देखते हो, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो वायर तार लगाए होते हैं, केबल वगैरह जो लगा होता है, वो बहुत टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उतना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हो पाता, मतलब वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन टाइप का होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप वही ठंडी में देख लेते हो, ठंडी में टेम्परेचर कम होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है और अच्छे से कंडक्टिविटी रहता है, कहीं फॉल्ट नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। तो ये ध्यान देना, मेटैलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस कम हो जाता है, ये बात ध्यान देना। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जैसे बच्चा कोई एक कंटेनर ले लो तुम, और मान लेते हैं इसमें Na+ और Cl- है और इसमें वाटर भरा हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन इसका ले लिया, वाटर इसमें है, तो जब इसको हम हीट करेंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे बच्चों, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे ना लाला, तो क्या होगा, यहाँ जो आयंस है, आयंस क्या करेंगे, इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जब इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो आयन में वाइब्रेशन होता है, आयन इधर उधर ज्यादा तेजी से फड़फड़ाने लगेंगे, इधर उधर दौड़ने लगेंगे, और आयन जितना जल्दी से इधर उधर दौड़ेगा तो जितना फ्री आयन दौड़ेगा उतने तो हमारे लिए फायदा है, तो आयन तेजी से दौड़ रहा मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात था इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो अगला पॉइंट आप तेजी से नोट करिएगा सभी लोग, फोर्थ पॉइंट नोट करिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नोट्स इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि एकदम मंद बुद्धि बालक भी रहे और अगर क्लास में बैठा हुआ है तो पूरा समझ जाएगा। देखो फोर्थ पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, ये क्या है, मेटैलिक के लिए है, इधर वाला मेटैलिक के लिए, इधर वाला इलेक्ट्रोलिटिक के लिए है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको पता है कंडक्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब तुम पढ़ना चाह रहे हो, तुम दौड़ना चाह रहे हो, कोई तुम्हें जो है नेगेटिव डायरेक्शन में रोक दे या तुम्हें कोई खींच ले या तुम दौड़ना चाह रहे हो, कोई तुम्हें पकड़ करके बैठ जाए रास्ते में, तो तुम नहीं जा पाओगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, वही रेजिस्टेंस रुकावट। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की अगर बात करें तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इस वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। और अगर देखा जाए बच्चों तो मेटैलिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को नहीं फॉलो करता है, मतलब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इस मेटैलिक कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। अब तुम्हें आगे बताया जाएगा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, पूरा इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक हम लोग 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे, तो उसमें मैं तुम्हें फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ सब डिटेल में बताऊंगा। अभी तुम्हें इतना यहाँ ध्यान देना डिफरेंस में कि मेटैलिक कंडक्टर फैराडे लॉ
हाफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो ये यहाँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अप्लीकेबल है, मतलब इस पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अप्लीकेबल होगा। तो आगे हम डिटेल में तो फैराडे लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, पार्ट थर्ड में इलेक्ट्रोलिसिस ही पूरा फैराडे लॉ ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आप इसको तेजी से नोट करिए बच्चों, सभी लोग इसको तेजी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग तेजी से नोट कर लीजिए बच्चा लोग, कोशिश किया करिए सभी लोग टाइम से क्लास अटेंड किया करिए। कुछ लोग तो एकदम कसम खा लिए कि लेट में ही आएंगे, कसम ना खाया करो बाबू। कितने लोग आए हैं? आयुष चौधरी, दिव्यांशी, मानसी, सक्षम, श्वेता, सोम मिश्रा, अभिषेक, आदित्य, अंकिता, अस्मिता, दिव्यांश, दुर्गेश, गौरव, जानवी, कृति मिश्रा, क्षितिज, लकी, मधु और नंदिता, प्रांजल, राहुल, ऋषभ, रिया, रोहित, समर्थ श्रीवास्तव, सारिका, सार्थक, सौरभ मिश्रा, सताक्षी, शिवम मिश्रा, शुभम यादव, सृष्टि पांडे, सुजीत चौहान, सुष्मिता, तुषार, उदित पाठक, उत्कर्ष, वसीम, अकरम, आकिब और प्रतिमा। चलो आगे बढ़े बच्चों, बताइए। चलिए अब जैसे बच्चा लोग हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को तीन पार्ट में स्टडी किए हैं, फर्स्ट था कंसंट्रेशन टर्म, सेकंड क्या था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड क्या था वांट ऑफ फैक्टर। ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को तीन पार्ट में स्टडी करेंगे। इसके पहले नोट करके आप लिख लो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी सीट पहले होता था, स्टेट लेवल का एग्जाम होता था यूपी सीट वगैरह, तो उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन। देखो नोट करके आप लिख लीजिएगा, अगर प्योर वाटर है, मतलब 100% अगर प्योर है, मतलब वाटर में केवल वाटर मॉलिक्यूल ही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता अगर प्योर वाटर है। लेकिन अगर भूल करके भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक आयन या कोई भी मिनरल्स वगैरह उसमें डाल दिया गया, तो वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है बच्चों, अगर प्योर वाटर की बात किया जाए तो वाटर की अगर हम बात करें तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये अपने आयनों में इजिली ब्रेक नहीं होता है, और जब आयनों में जैसे तुम्हें लगता है ना H+OH-, हम लोग ऐसे तोड़ देते हैं, इतना आसानी से नहीं ब्रेक होगा। इसलिए जब कभी इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर का, तो यहाँ एसिड वगैरह H+ वगैरह ऊपर से डाल देते हैं, तो H+ वगैरह या कुछ है और साल्ट वगैरह जब इसमें डालेंगे तब ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो अगर प्योर वाटर है तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो अपने फ्री आयनों में कन्वर्ट नहीं हो पाते, मतलब वो आयनाइज नहीं होते हैं, वो हमेशा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो आपको ध्यान देना है, प्योर वाटर है तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हो जो आप अगर देखा जाए वाटर तो 100% प्योर वाटर मिलता ही नहीं है जल्दी से, जो आप मिनरल्स वाटर लेते हो उसमें भी कुछ मतलब मिनरल्स वगैरह मिला रहता है। आप जो आपके जो नल से निकलता है या आप देखते हो उधर उधर से जो निकलता है सारा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, इस वजह से वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है। लेकिन अगर प्योर फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको बच्चों जल्दी से नोट करो, और वैसे भी टाइम ओवर होने वाला है, अपने आप ऑटोमेटिक कटेगा, और जैसे कटेगा आप लोग दोबारा फिर कनेक्ट हो जाइएगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट करो, जैसे कनेक्ट होने डिसकनेक्ट होने वाला है ना, अब 30 सेकंड और बचा हुआ है, इसको नोट कर लो, और फिर हम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं, फिर आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से आप लोग ज्वाइन करिए बच्चों, तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड रिमेन्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अब समझिएगा, जिस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को तीन पार्ट में पढ़े, हम लोग इसको भी तीन पार्ट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
जो सेकेंड पार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इस इलेक्ट्रोलिसिस में ही हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखिएगा इसी तरीके से, आप लोग भी अपने नोट्स में ऐड करिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बच्चा हम लोग तीन पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, सेकंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस में ही हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, तीन पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को सब पढ़ेंगे, और जैसे तीनों पार्ट समाप्त यानी ये चैप्टर समाप्त। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब हमें लग रहा है कि जुलाई से, फर्स्ट जुलाई से कोचिंग भी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय कोरोना का केस बहुत कम आ रहा है, और हमें लगता है कि फर्स्ट जुलाई से ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जून में हम लोग लगभग दो चैप्टर कवर कर ले जाएंगे। जून में हम लोग लगभग दो कवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक चैप्टर और हम लोग कवर करेंगे, और जुलाई से हम लोग केमिस्ट्री में फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेलो सर। हाँ, कोरोना सर तीसरी लहर की तैयारी करने गया है। अरे यार, तीसरी लहर की तैयारी योगी और मोदी जी दोनों लोग कर रहे हैं। कोरोना के विरोध में ये लोग लगे हुए हैं, टेंशन ना लो, और आप लोग भी लगे रहिए, सब लोग मिल करके लड़ोगे तभी तो कोरोना हारेगा। हम लोगों के ऊपर तो और जिम्मेदारी है, कोरोना से भी लड़ना है और पढ़ना भी है। क्यों राहुल बाबा, चलो तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब मेन केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर देखा जाए, मेन मतलब हम लोग 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में घुस गए हैं, स्टार्टिंग यहीं से मेनली हो रहा। अभी तक तो पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को समझने से पहले आपको कंडक्टेंस समझना होगा। आखिर में कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस का मतलब होता है बच्चों कि मतलब किसी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन अगर है, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, कि जितना अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन में फ्लो होता है उसी को कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। तो हेडिंग लिखना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, और उसमें सब हेडिंग लिखिएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस को बच्चों हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है जो पास होता है थ्रू ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के थ्रू जो पास होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखा जाए बच्चों, तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, कंडक्टेंस सी इक्वल टू होता है 1/ रेजिस्टेंस होता है, मतलब सी इक्वल टू 1/R होता है। तो आप हेडिंग लिखो कंडक्टेंस, और इसमें लिखिएगा अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस में लिखिएगा डेफिनेशन इसका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रो सॉल्यूशन आर नोन एज कंडक्टेंस। इसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किसे? सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सी इक्वल टू होता है 1/R, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, हमें याद रखना है रिलेशन को, सी इक्वल टू 1/R। मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस पता है तो हम कंडक्टेंस इस फार्मूले से निकालेंगे, कंडक्टेंस पता होगा तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। और आपको बचपन में ही बताया जाता है, 10th लेवल के फिजिक्स में बताया जाता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता? ओम। और ओम नीचे है ना, ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब
यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यानी सी की अगर बात किया जाए तो ओम ऊपर हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं ओम इनवर्स, यानी कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा ओम इनवर्स होगा। और इसी का दूसरा नाम, दूसरा यूनिट हो जाएगा जो बोलते हैं महो, इसी को उल्टा लिख देना, ओम इनवर्स को उल्टा यम या चो महो। तो चाहे ओम इनवर्स बोलो, चाहे महो बोलो और चाहे साइमन बोलो, ये तीनों यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस तीनों है। तो तीनों में से अगर देखा जाए तो ज्यादातर इस समय मॉडर्न युग में यही आ रहा साइमन। तो साइमन क्या है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है, हमें ये याद रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इन चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ओम इनवर्स या महो या साइमन इनवर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको नोट करिए जल्दी से, नोट कर लिया, बोलो बच्चा। चलो आप समझिए ध्यान से, मान लेते हैं बच्चा हमारे पास एक वायर है, फिजिक्स में थोड़ा हम लोग चलते हैं, एक वायर है और ये वायर ऐसे कनेक्ट है, इतना बड़ा वायर है ऐसे, इसको कट किया गया है। अब कट किया गया है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये वायर मतलब मोटा सा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या हो गया बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए क्रॉस सेक्शन एरिया है मेटल रॉड का, ये मेटल रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए। और इस मेटल रॉड का जो लेंथ है बच्चों, इस मेटल रॉड का जो लेंथ है, मान लेते हैं इसका लेंथ है स्मॉल एल, मतलब ये मेटल रॉड का लेंथ है स्मॉल एल, और इस और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो कट किया गया, जैसे मेटल रॉड है तो कट करेंगे ना, तो उसके बगल वाला जो गोला गोला होगा वो एरिया होगा, तो उसे हम एरिया बोलते हैं। अब अगर देखा जाए रेजिस्टेंस की अगर हम रिलेशन यहाँ निकाले, तो जितना भैया जितना ये मेटल रॉड बड़ा रखोगे ना उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियॉन से ले जाना है मुंबई या न्यूक्लियॉन से ले जाना है दिल्ली, तो न्यूक्लियॉन से यानी बस्ती से अगर तुम इतना दूर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। और न्यूक्लियॉन से अगर केवल न्यूक्लियॉन के हॉस्टल में ले जाना है तो नजदीक रेजिस्टेंस कम लगेगा, कंडक्टिविटी अच्छा होगा। और जितना जितना इसका एरिया ज्यादा बढ़ाओगे, मतलब इसकी मोटाई, तार की मोटाई जितना ज्यादा रखोगे, मेटल रॉड जितना मोटा होगा उतना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ऐसे बट करके कंटिन्यू करेंगे, रेजिस्टेंस का अगर रिलेशन देखिए तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। अब इस प्रोपोर्शनल को भैया तुम हटाओगे ना, तो प्रोपोर्शनल को अगर हटाओगे तो यहाँ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है रो, इसे हम रो बोलेंगे, वो रोने वाला रो नहीं जो तुम रोने लगते हो थोड़ा सा टफ आ जाता है रोने, इसको हम रो बोलते हैं। और इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रो, और इसे आगे वाला ऐसे लिख देंगे एल बाई ए लिखेंगे। अब ये क्या है इनको हम पहले यहाँ लिख देते हैं, इनको अगर हम यहाँ लिखेंगे सबके बारे में, तो पहले हम लिखते हैं आर क्या है, तो आपको पता है आर मतलब रेजिस्टेंस है। और अगर तुमसे कहा जाए रो क्या है, तो रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एल क्या है लेंथ, किसका लेंथ है, कंडक्टर का, जो मेटल रॉड है, लेंथ ऑफ कंडक्टर बनाते रहो फिगर हमारे साथ। और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम चाहें
अगर हम चाहें थोड़ा सा उठक पटक इसको इधर उधर कर सकते हैं, ऐसे देखना अगेन। अगर हम चाहें बच्चों तो इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? आर को वन बाई हम कर दें तो वन बाई आर, तो इसका मतलब रो को भी वन बाई रो कर दें। और अब इधर जब वन बाई करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा ना, तो ए बाई एल हो जाता है। चाहे तो हम ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा ये बताओ क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हमें नया फार्मूला डराइव करना है, नया नया फार्मूला हम डराइव करेंगे और जितना ज्यादा फार्मूला हमारे नॉलेज में होगा उतना ज्यादा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। हमें न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है और न्यूमेरिकल तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें फार्मूला सिस्टमेटिक वे में पता होगा। और फार्मूला सिस्टमेटिक वे में पता है, कैलकुलेशन पता है, तो तुम्हारा न्यूमेरिकल अपने आप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो हम इसको वन बाई से डिवाइड, वन से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके का मैं लिख सकता हूँ। और बचपन में ही आपको पता है कि वन बाई आर इक्वल टू क्या सी होता है। वन बाई आर इक्वल टू क्या, अभी पढ़े हो ना, वन बाई आर इक्वल टू सी मतलब कंडक्टेंस, और वन बाई रो इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब आर तो रेजिस्टेंस है और रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और सी कंडक्टेंस है, और वन बाई रो मतलब वन बाई रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस हो गया, और वन बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों के से, हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, के से। बुक वाला ऐसे बनाता है, के को ऐसे बनाता है, बुक वाला ऐसे बनाएगा के को, ऐसे बनाता है इस तरीके का। इसे कप्पा बोलते हैं, कप्पा। तो कप्पा कप्पी आपको कुछ नहीं बोलना है, के से हम रिप्रेजेंट करेंगे, के ही ध्यान देना है बस, वो टप नहीं करना है। तो उससे अब वन बाई रो के जगह पर हम के, और के क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। आर क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और यहां हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बाई एल लिख देंगे। अब ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, हम चाहे तो ये फार्मूला तो आ चुका है कि कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू ए बाई एल, बट ए बाई एल कोई स्पेशल कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर अगर एल बाई ए की बात करें तो एल बाई ए मतलब लेंथ बाई एरिया को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब हमें फार्मूले को इसी फॉर्म में ले जाना होगा। तो अगर हम L को ऊपर और A को नीचे लाएंगे तो इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, K इक्वल टू हम लिख सकते हैं K, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस इनटू L को ऊपर अब ले जा सकते हैं, तो L बाई A ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब एक सुंदर सा फार्मूला हमारे सामने आया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट है। और ये फार्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको हम ऐसे बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो भैया तुम्हें इन तीनों में से कोई भी पूछा जाए, अगर दो का वैल्यू दिया है तो तीसरा तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक सिंपल सा फार्मूला तो ये पता चला, एक सिंपल सा फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर न्यूमेरिकल ढेर सारा एनसीईआरटी में दिया है, आगे मैं लगवाऊंगा, इस पर न्यूमेरिकल ढेर सारा दिया है। अब यहां मैं लिख देता हूं, सी क्या है। सी क्या है बच्चा, अगर सी की बात किया जाए तो सी हमारा है कंडक्टेंस। सी हमारा क्या है, कंडक्टेंस है। अगर हमसे कहा जाए के क्या है तो आपको पता है के है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और एल बाई ए क्या है, सेल कांस्टेंट, यहां मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझना, अगर मैं इसी के जगह पर मान लेता हूं, अगर इसी के जगह पर बच्चों हम लोग मान लेते हैं, यहां ऐसे मानते हैं, इफ लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ मेटल रॉड एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लें, और एरिया ए इक्वल टू हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें। तो ये बताओ, अगर इस तरीके का हम लेंगे, इस तरीके का अगर हम लेते हैं
तो इसका मतलब ऊपर वन नीचे वन, तो इसका मतलब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा सी, के इक्वल टू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो तुमसे ये पूछा जा सकता है कि कंडक्टेंस कब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगा। तो हमारा अगर ये मेटल रॉड का जो लेंथ है, इस मेटल रॉड का जो लेंथ है पूरा लेंथ अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर हो जाए, और ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, एरिया की अगर बात करेंगे, एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब है, अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस के बराबर होगा। कभी कभी ये भी एग्जाम में आता रहता है। दूसरी बात, अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों, तो यूनिट तो बार बार आपके एग्जाम में पूछता रहता है। मतलब पता नहीं क्या हो गया है एग्जाम वालों को कि तुमसे यूनिट पूछा जाता है के का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट ये लोग बार बार पूछते हैं। तो हम तो बता ही सकते हैं यार, इसमें क्या टफ वाली बात है, इसी में रख दो फार्मूले में। तो ये बताओ, यूनिट अगर इसका रखना है तो के इक्वल टू, ये सी है, सी मतलब कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का यूनिट तो बचपन में ही हम लोग पढ़े हैं, क्या साइमन या ओम इनवर्स या महो। तो साइमन लिखते हैं क्योंकि साइमन लोग ज्यादा मॉडर्न मानते हैं, साइमन ज्यादा सही है, मतलब ज्यादा लोग यूज करते हैं, न्यूमेरिकल में साइमन ज्यादा आ रहा है, तो साइमन लिख दिया डॉट। अच्छा, लेंथ का यूनिट आपको सेंटीमीटर में मान लिया रख दिया, और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो हो जाएगा साइमन, साइमन डॉट सेंटीमीटर इनवर्स है, मान लिया मीटर में तुम रख दिए तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर या मीटर किसी में भी आप रख सकते हो। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या महो सेंटीमीटर इनवर्स है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब न्यूमेरिकल आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है, कंडक्टेंस है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो आप यूनिट देखोगे ना, और यूनिट देख करके ही बता दोगे कि कंडक्टेंस है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कुछ दिमाग है नहीं लगाना है। अगर यूनिट दिया है साइमन तो मतलब कंडक्टेंस ही है, अगर यूनिट दिया है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स तो इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो यहां तक आप नोट कर लो तेजी से, इसको आप नोट करिए तेजी से, जितना जल्दी हो सके तेजी से लिखिए। थोड़ा एक पॉइंट और बताना है, एक पॉइंट और इसमें बताना है, सभी लोग नोट करते रहो बच्चा लोग। देखिए अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, समझिएगा। एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई फुल एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे सारे पार्टिसिपेंट आ जाए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए एकदम फुल पर जिससे सारे लोगों का आ जाए, जिससे पार्टिसिपेंट पता चल जाए लास्ट में कितने लोग पढ़ रहे हैं। और हमारे पास सेंड कर देना, 3 स्क्रीनशॉट आना चाहिए, 3 बार मैं बोला हूँ स्क्रीनशॉट भेजने का। चलो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंटिन्यू करिएगा, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अगर हमारा है तो इसमें हमें 3 टाइप का कंडक्टेंस पढ़ना होता है। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमें 3 टाइप का कंडक्टेंस पढ़ना है। कंडक्टेंस क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं। अब ये कंडक्टेंस 3 टाइप का होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए। जो फर्स्ट है हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, फिर सेकेंड लिखेंगे और फिर थर्ड लिखेंगे। जो फर्स्ट है बच्चा, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फर्स्ट जो कंडक्टेंस होता है बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको कप्पा यानी के से रिप्रेजेंट करेंगे, कप्पा कप्पी नहीं ध्यान देना केवल के। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस सेकंड होता है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस होता है।
मोलर कंडक्टेंस को डेल्टा एम से हम लोग इस चैप्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड जो हमें पढ़ना है बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो थर्ड हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हम डेल्टा ई क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना तो इन तीनों कंडक्टेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों को फार्मूला डेराइव करेंगे, तीनों पर न्यूमेरिकल करेंगे, जेई नीट के न्यूमेरिकल, जेई नीट में यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता रहता है। तो आज मैंने अगर देखा जाए तो पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने कवर किया और मैंने स्पेशली दो फार्मूला बताया आपको, दो फार्मूला ये बताया, एक क्या C इक्वल टू वन बाई आर और अभी देखा जाए तो K इक्वल टू C इंटू एल बाई ए, दो फार्मूला मैंने बताया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे कहा जाए इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दो, ध्यान से समझना, इसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाइड कर दें, अगर सेल कॉन्स्टेंट बराबर अगर हमें निकालना हो, इसी फार्मूले में एल बाई ए मुझे निकालना है, अगर मुझे सेल कॉन्स्टेंट इक्वल टू निकालना है एल बाई ए, तो एल बाई ए की जगह पर अगर हम चाहें तो एल बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई सी हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो सी के जगह पर वन बाई आर रख सकते हैं ना, और वन बाई आर नीचे तो आर ऊपर चला जाएगा तो के डॉट आर हो जाएगा। तो कभी कभी बच्चा इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल आता है। ये सारा फार्मूला अगर देखा जाए तो अगर दो फार्मूला पता है सी इक्वल टू वन बाई आर और ये फार्मूला पता है और एक रिलेशन जो मैंने आपको बताया है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, तो आपको पूरा फार्मूला आप बना सकते हो। तो आज का क्लास बच्चों यही समाप्त होता है, पूरा अच्छे से अभी नोट्स में सेंड करूंगा मैं, 3 दिन लगातार अगर देखा जाए 3 दिन लगातार मैं नोट्स और वीडियो पूरा मतलब सारे ग्रुप में शेयर करूंगा 3 दिन। उसके बाद 4th दिन से पासवर्ड और लिंक चेंज हो जाएगा क्लास का, 3 दिन केवल अलाउ होगा, न्यू बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 दिन को अलाउ होगा। उसके बाद 4th डे से मीटिंग का पासवर्ड और नोट्स वगैरह अपने पेड वर्जन में सेंड होने लगेगा। तो आपके पास टाइम है, आप 2-3 दिन पढ़ करके देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम, ओके थैंक यू, आप जा सकते हो। आखिर डेली क्लास लिया करो, वसीम अकरम तुम भी डेली आया करो क्लास में।